नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मलेशिया वुमेन्स की शानदार जीत के बाद बदल गया वुमेन एशिया कप 2022 का पूरा पॉइंट्स टेबल। इंडिया वुमेन्स की टीम को पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी इंडिया वुमेन्स की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वुमेन एशिया कप 2022 में आज मलेशिया वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स की टीम के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पाकिस्तान वुमेन्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान वुमेन्स की टीम ने 20 ओवर में 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और पाकिस्तान वुमेन्स की टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज अमीन ने सबसे ज्यादा 56 रनों की पारी खेली और वहीं मलेशिया वुमेन्स की टीम की तरफ से टिपोच ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए और वहीं 117 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मलेशिया वुमेन्स की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही और आखिरी ओवरों में मलेशिया वुमेन्स की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करके पाकिस्तान वुमेन्स की टीम को इस मुकाबले में हरा दिया। तो चलिए नजर डालते हैं मलेशिया वुमेन्स की जीत के बाद वुमेन एशिया कप के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों नंबर वन पर इंडिया वुमेन्स की टीम है, जो अपने 3 मुकाबले खेले और तीनों मुकाबलों में जीत हासिल करके 6 अंक जीत कर चुकी है। और वहीं नंबर दो पर पाकिस्तान वुमेन्स की टीम है, जो अपने 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीती और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक हासिल कर चुकी है। और उसके बाद नंबर तीन पर श्रीलंका वुमेन्स की टीम है, जो अपने 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतकर कुल 4 अंक जीत कर चुकी है। और उसके बाद नंबर चार पर बांग्लादेश वुमेन्स की टीम है, जो अपने 2 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हैं। और वहीं नंबर पांच पर यूएई वुमेन्स की टीम है, जो अपने 3 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हासिल कर चुकी है। और वहीं नंबर छह पर मलेशिया वुमेन्स की टीम आ चुकी है, जो अपने 4 मुकाबलों में 1 मुकाबला जीती है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। और उसके बाद नंबर सात पर थाईलैंड वुमेन्स की टीम है, जो अपने 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबलों में हारी और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।